So today's our topic is calculate the variance and standard deviation for the yarn mention कर देती हूँ मैं आपको. Calculate variance and sorry, first of all you have to discuss about the range. Calculate range and coefficient of range from following that. Okay. Calculate the range and coefficient of range from the following data. So I have the grades of the students. 12, 17, 23, 29, 34, 28, 35, 13, 56, 63, 72, 19. And then 89. So this is the data. So I just wanted to calculate the range of the following data. अगर आप इसको गौर करें तो then what is the data of the what type of data is this? Is it what type of data is this? Ungrouped data. Ungrouped data. Ungrouped. Ungrouped data. Ungrouped data is also called the discrete data. Okay. This is called the ungrouped data or discrete data. So first of all, I have explained the formula of the range. XM XM minus and then xm minus x naught. This is the formula of the range. xm minus x naught. Range का formula होता है. और xm से क्या मुराद है? In simple words, xm is the maximum value of the data. xm is the maximum value. The maximum value of the data. या इसको सिंपल आप बोल सकते हैं मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा एक ही बात है. ठीक है. अब मैंने एक्सएम का बता दिया कि मैक्सिमम जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन है या मैक्सिमम जो है वो आपकी वैल्यू है. इसी तरह जब आप एक्स नॉट की बात करेंगे तो एक्स नॉट क्या होगा हमारे पास? एक्स नॉट इज द मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ डाटा. आपने एक्सएम की बात की कि एक्सएम हमारे पास क्या है? मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो है. और एक्स नॉट क्या है हमारे पास? मिनिमम वैल्यू है. ठीक है. अब आपने इस डेटा में से चेकआउट करना है कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी है. आपने ये चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसमें से और इसमें से क्या है मिनिमम वैल्यू कितनी है. सो मैक्सिमम वैल्यू बताएं आप अपने डेटा की. 89. तो क्या हो जाएगा हमारे पास रेंज के लिए? रेंज इज इक्वल टू 89 माइनस 12 9 माइनस 12.
यानी जो आपको डेटा गिवन होगा उसमें से आपने मुझे बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। हाँ जी, अब आप उसको मुझे माइनस करके बताएंगे कि कितना आ रहा है। 89 माइनस 12 77 कितना आ रहा है? 77 दैट इज द रेंज। ठीक है, हमारे पास ये रेंज होता है डेटा, हमारे पास कितना है रेंज है। यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड द रेंज। नाउ कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, वी टॉक्ड अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द फार्मूला, तो फार्मूला को डिफाइन करूंगी मैं। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फार्मूला होता है हमारे पास, हमारे पास फार्मूला होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट ठीक है, और सेम एज इट इज हमारे पास होगा एक्स एम प्लस एक्स नॉट ठीक है। ये हमारा क्या था, फार्मूला था आगे आपको समझ। मैं जरा इसका सैंपल चेंज कर लूं, जी ये हमारा, हमारे पास फार्मूला था एक्स एम माइनस एक्स नॉट, एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नॉट के। थोड़ा इसका फोन में बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा या विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाए ठीक है। दैट इज अ फार्मूला एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एम प्लस एक्स नॉट। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो मैंने एक्स एम जो है वो एक्स नॉट पहले निकाला हुआ है, हमने पहले इसको निकाला हुआ है कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या था आपके पास? रिलेटिव, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पेरियन था। कोफिशिएंट ऑफ रेंज आपके पास क्या था? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पेरियन था। और जब हमने सिर्फ रेंज निकाला था, व्हाट इज दिस रेंज, हमारे पास क्या था? 77 एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पेरियन। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि रेंज जो था वो किस में फॉल करता था, कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पेरियन में करता था। और जो हमारे पास वो था कोफिशिएंट जो था वो किस में कर रहा था? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पेरियन में जो है वो लाई कर रहा था ओके। अब आप इसको प्लस करके बताएंगे कि कितना आ रहा है मेरे पास? मैम 101 वेट अ मिनट, हाँ जी अब आप मुझे बताएंगे। एक तो मेरे पास 77 है ठीक है, 77 डिवाइडेड बाय 101 77 डायरेक्ट इसको मैं पुट ऑन कर देती हूँ कि आपको समझ आ जाए। 77 और डिवाइड कितना करना था जी, डिवाइड बाय कितना था? 101 ठीक है। ये मैंने, आप देखें, अब मैंने इसको निकाल लिया था कि आपके पास ये क्या चीज थी। मैंने इसको निकाल लिया कि जब कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना था मेरे पास, और मेरे पास और कितना था कोफिशिएंट ऑफ रेंज, मैंने इसको फाइंड आउट किया। और साथ में मैंने इसका क्या फाइंड आउट किया कि रेंज क्या होती है। अब देखें दो डिफरेंट थे, जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पेरियन में जो था वो रेंज लाई कर रही थी अगर आप इसकी डेफिनेशंस पर थोड़ा जाएं, और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पेरियन में क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रेंज थी ठीक है। अब हम इस पर बात करते हैं, अब हम लोग इसका निकालते हैं वेरियंस निकालते हैं ठीक है। इसका क्या निकालेंगे हम लोग? वेरियंस निकालेंगे। कैलकुलेट वेरियंस, वेरियंस फ्रॉम फॉलोइंग डेटा, फॉलोइंग डेटा।
मुझे कोई भी डेटा होगा, मैं फिर बता दूं कि जो अनग्रुप डेटा होता है इसको हम लोग डिस्क्रीट डेटा भी कहते हैं, तो अपने फॉलोइंग डेटा का जो है वो वेरियंस जो है वो कैलकुलेट करना है। मैं अगेन इसी का डेटा ले रही हूँ ताकि अपने कैलकुलेटर्स ले लें, ताकि आप मुझे साथ साथ कैलकुलेशन करके देंगे और आप मेरे साथ जो है वो इन टच रहेंगे। ठीक है, आपने ये डाटा ले लिया जिसका मुझे क्या चाहिए था, मुझे इसका वेरियंस निकालना है। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि जब भी कोई आपने काम करना होता है तो सबसे पहले जो है वो आपने उसका क्या निकालना होता है, सबसे पहले उसका फार्मूला मेंशन करना होता है ताकि आपके लिए ईजी हो सके कि आपको पता हो कि बेसिकली आप क्या चीज़ जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे ये क्वेश्चन था कैलकुलेट वेरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, मैंने इसका वेरियंस कैलकुलेट करना है, और वेरियंस कैलकुलेट करने के लिए मैं इसका सबसे पहले जो है ना वो आपको फार्मूलाज बता रही हूँ कि फार्मूलाज जो है वो इसके क्या क्या होते हैं, हम इन फार्मूलाज को कैसे जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, फार्मूलाज मैं इसके मेंशन करने लगी हूँ यहाँ पर। हमारे पास जो है ना बेसिकली दो तरह के फार्मूला होते हैं, पॉपुलेशन डाटा के लिए भी होगा, सैंपल डाटा के लिए भी होगा। पॉपुलेशन डाटा वाला फार्मूला जो है मैं उसको वेरीफाई करूंगी, सैंपल डाटा का भी एज इट इज है, जब आपको पॉपुलेशन का समझ आ जाएगा तो आपको सैंपल का भी समझ आ जाएगा। पॉपुलेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, पॉपुलेशन वेरियंस को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर से, इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, दैट इज द पॉपुलेशन डाटा, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप कैपिटल एक्स भी डाल लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, दैट इज द पॉपुलेशन वेरियंस। जब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हैं तो क्या लेते हैं, जस्ट इसका अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कितना डिफरेंस होता है, आपने सिर्फ इतना क्या करना होता है, इन पॉपुलेशन वेरियंस समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन, जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो उसका क्या ले लेंगे, आप अंडर रूट ले लेंगे। व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द सैंपल वेरियंस, वहां पर मेंशन होगा कि कैलकुलेट द सैंपल वेरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो जब सैंपल वेरियंस की बात करेंगे तो दैट इज द फार्मूला इज इक्वल टू 1 ओवर n माइनस 1 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स ओवर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसी तरह जब मैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूंगी तो मैंने इसका क्या ले लिया, जस्ट ओनली इसका मुझे अंडर रूट ले लिया और कुछ नहीं किया, 1 ओवर n माइनस 1 समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। यानी अगर कोई भी आप निकालना चाहते हैं, कोई भी आप मतलब वेरियंस पॉपुलेशन वेरियंस निकालें या स्टैंडर्ड पॉपुलेशन वेरियंस अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लें या किसी का भी अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन लें तो जस्ट आप वेरियंस का अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए जाहिर मुझे सबसे पहले इसका टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल मैं टेबल बनाने लगी हूँ, इंसर्ट टेबल। आपके पास 15 रोज हैं और कॉलम कितने बनेंगे, जस्ट आपके और क्यों बनेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो इसका इंसर्ट हो गया। मुझे अगर मैं इस पॉपुलेशन वेरियंस निकाल रही हूँ समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एक्स चाहिए और साथ में मुझे क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक्स है, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए, एक्स का मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो मैं स्क्वायर इसका डाल देती हूँ, एक्स चाहिए और साथ में मुझे क्या चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए। अब एक्स की मैंने आपसे कहा था कि जो डिस्क्रीट डाटा होता है या अनग्रुप डाटा होता है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है वही हमारी क्या होती है, एक्स होती है। ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, एक्स होंगी। ये अगर आपके पास डाटा है तो प्लीज़ आप मुझे लिखवाएंगे 12/17/23 जी, बोलेंगे 23 के बाद क्या है, 34 के बाद हमारे पास 28 45 28 एंड देन हमारे पास क्या था, 45 45 था, 30 फिर क्या था,
30 वेट अ मिनट मुझे लिखने दे आपने शायद 45 36 63 मजीद आप यहाँ से देख लें 72 19 89 ठीक है एंड देन ये जो था मेरे पास ओके नाउ अब आप मुझे इसका एक्स केयर लिखवाएंगे एक्स केयर का मतलब अगर 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो 144 आ जाएगा जी मुझे मेंशन करेंगे 17 का टोटल क्या होता है मैम 289 जी बेटा 23 का प्लीज जरा तेज 529 कितना होगा बेटे 529 का 1156 328 का 784 45 का 20 25 30 का 900 आगे जल्दी जल्दी करो भाई 3136 मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है19 का जब आपने किया 89 का आपने किया 7921 अब आपने मुझे x का टोटल करके बताना है कितना आता है क्योंकि आपको समेशन x चाहिए और x स्क्वायर का टोटल करके बताना है ठीक है x का टोटल कौन कर रहा है जी प्लीज करें आप लोग मुझे x का टोटल बताएंगे एंड देन मुझे किसका बताएंगे x स्क्वायर का टोटल बताएंगे ओके जी क्या है एक मिनट समेशन x का x is equal to कितना आ रहा है कितना आया बच्चों स्लाइड थोड़ी नीचे कर दें एक दफा समेशन x का कितना टोटल है मैम 517 नाउ आप इसको मुझे x square का टोटल बताएगा 517 x स्क्वायर का टोटल मुझे बताएगा प्लीज मैम 27 एक मिनट 27
239. Yes. Is it right? 27239. Yes, ये हमारे पास क्या चीज आ गई है, टोटल आ गया है. ये जिस वैल्यूज पुट ऑन कर लो कॉपी. आपको जो वैल्यूज चाहिए थी वो जो मुझे चाहिए थी 27239. आप और करें दोबारा, मैं अगेन आपको उसको फार्मूले की तरफ लेके जाती हूँ और आप फार्मूले में देखें कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए थी. बेसिकली मुझे फार्मूले में चाहिए था समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर. ठीक है, यही चीज़ मुझे चाहिए थी. सो मैंने ये चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं कि मेरे पास क्या चीज़ है. मैं यहाँ पर पुट ऑन करने लगी हूँ डायरेक्ट. आपको मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी तो मैंने डायरेक्ट मैं आपको वैल्यूज पुट ऑन कर रही हूँ. 517 को आपने डिवाइड करना है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपकी, एन से क्या मुराद है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं? 13 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं. तो यहां पर कितना आ जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, मतलब 27239 डिवाइडेड बाय कितना था, 13. ठीक है, माइनस 39 को इस चीज से माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर. होल स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ पर, देखें यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर. ये चीज आपके पास आ रही है. तो होल स्क्वायर में मैं क्या डायरेक्ट वैल्यूज जो हैं वो पुट कर रही हूँ. समीशन एक्स ओवर एन में कितना था, 517. 517 को आप डिवाइड करके 13 पे बताएं मुझे कितना आता है. मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, वेट अ मिनट. आप इसको ऐसे करेंगे, मैं इसका होल स्क्वायर टाइम स्पेस के लिए कम बता रही हूँ. इसको आपने क्या करना था, सिंपल फार्मूले में अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. एक्स कितना था आपके पास, 517. 517 डिवाइडेड बाय क्या किया, 13 किया. ठीक है, और फिर आपने इसको मेरे पास कितना आ गया, डायरेक्ट मैं बता रही हूँ आपको कितना आ गया, 39.76 ये आ गया. और आपको उसका क्या चाहिए, स्केयर चाहिए था. मैंने इसका स्केयर करना था क्योंकि होल स्केयर में है ना कि आपका 39.76 जो है, तो मैं इसको दोबारा जो है वो होल स्केयर में करने लगी हूँ. 39.76 का स्क्वायर ब्रैकेट में. अब आप देखें पहले 27239 को डिवाइड करें 13 पर, डिवाइड करके मुझे जल्दी बताएं कितना है. 272239 डिवाइडेड बाय 13 20.95 क्या, 2095.30 इसको आपने स्केयर करना है. 39.76 का स्केयर करें, 1581 1585 कर लें. तो मैंने राउंड अप कर लिया.
6 कर लें। अब जब आपने इसको माइनस किया तो कितना आया है मेरे पास, 2095.30 माइनस 1580.86, 514.544. There is a variance, which means that there is a sigma square. ये हमारे पास क्या है, सिग्मा स्केयर आया है। यहाँ पर सिग्मा स्केयर का आप सैंपल डाल दें, मैंने आपको पहले बताया था कि सिग्मा स्केयर का जो सैंपल होता है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमने सिग्मा स्केयर का सैंपल डालना होता है। सैंपल हुआ जो तो था, बट आई थिंक सो कि मैं देख लेती हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिग्मा स्केयर डाल देती हूँ कि सिग्मा स्केयर कैसे डालते हैं। इट इज द सिग्मा स्केयर वैल्यू। अगर आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो फिर आप कैसे निकालेंगे, सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू 514.44, ठीक है। अगर आपने इसका सिग्मा निकालना हो, सिग्मा मीन, सिग्मा क्या है, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आप जस्ट सिंपल सिग्मा डालते हैं, दिस मीन द सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने सिग्मा के लिए क्या करना था, मैंने क्या बताया था कि अगर आपने सिग्मा लेना हो तो क्या करना होता है, जस्ट ओनली अंडर रूट लेना होता है, जस्ट जो है वो आपने अंडर रूट ले लेना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा। जिस अंडर रूट लेके बताएं, देन ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 22.68। कितना आ रहा है, 22.68। That is the sigma, ठीक है। हमारे पास ये क्या चीज़ थी, सिग्मा थी। आज आपने देखा कि रेंज कैसे निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकाले हैं, देन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारा आज का टॉपिक था कि हमें इन चीज़ों को जो है वो किस तरीके से हमने इसको निकाला है, और किस तरह जो है मैंने इसको आपको कोशिश की है कि आपको समझ भी आ सके कि ये कैसे हम लोगों ने किया है, ठीक है। वेरियंस कैसे निकालना है, अगर तो आपको वेरियंस निकालने को कहा जाए, मतलब वेरियंस का कहा जाता है, तो डायरेक्ट वेरियंस निकालें। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का कहा जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट भी निकल सकता है। अगर आप स्टार्स इस अंडर रूट डाल दें तो भी आपका वेरियंस जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर जो है ना वो समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। मैम वेरियंस में जस्ट हम सिग्मा स्क्वायर तक ही लेंगे ना, समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं आप। मैम मैं ये कह रही हूँ कि जब हम वेरियंस फाइंड आउट करेंगे जस्ट, तब हम सिग्मा स्क्वायर तक ही फाइंड आउट करेंगे ना, सिग्मा स्क्वायर करके फाइंड आउट करेंगे।